좋다. 나는 아재가 स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही कमाल की साउथ कोरियन फिल्म जिसका नाम है स्प्रिंग। फिल्म की शुरुआत कोरिया में होती है 1960 को दिखाकर। इस टाइम पर गरीबी बहुत ज्यादा है, लोगों को दो वक्त का खाना जुटाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहीं पर हम अपनी फिल्म की एक मेन कैरेक्टर मिन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गरीब लड़की या औरत, कुछ भी कह लो इसको। और ये आज खाने का सामान लेने के लिए लाइन में लगी हुई है, क्योंकि सियोल से एक बहुत ही रिच महिला आई हुई है जो यहाँ पर खाना बांट रही है। सामान बांटने वाला इसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम दूसरी बार आकर लाइन में लगी हुई हो। सब इसको चोर चोर बोलने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर वो महिला आती है और कहती है कि कोई बात नहीं, ये लो सामान और तुम संडे को मुझसे आकर चर्च में मिलना। मिन की एज अभी बहुत ही कम है और इस एज में इसके दो बच्चे हैं जिन्हें ये पालने के लिए यहाँ वहाँ दिन भर काम करती है और 10 जगहों से इसको काफ़ी उल्टी सीधी बातें भी सुननी पड़ती है। दूसरी तरफ हम एक पर्सन गु को देखते हैं, जो कि एक मूर्तिकार है, मतलब मूर्ति और पेंटिंग बनाया करता है। इसको एक बीमारी हो गई होती है जिसकी वजह से इसकी बॉडी पैरालाइज हो रही है। और इसके साथ उसी हम महिला को देखते हैं जो कि सियोल से आई हुई है, जिसने मिन की हेल्प की थी। इसका नाम सुख होता है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। ये गु से बताती है कि आज मैंने एक मदर को देखा जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, उसकी उम्र भी कम है और हाइट भी ज्यादा है और उसकी लंबी लंबी टांगे हैं और वो तुम्हारे लिए काम कर सकती है। गु को लगता है कि मेरे हस्बैंड को ये ठीक कर सकती है पैरालाइज से, और मिन को ये न्यूड मॉडल जॉब ऑफर करती है, मतलब बिना कपड़ों के इसको गु के सामने खड़ा होना होगा और वो इसकी पेंटिंग बनाएगा। मिन कहती है कि पैसे मिलेंगे, सुख कहती है कि हाँ जरूर मिलेंगे, कितना चाहिए? मिन कहती है कि 500 वोन और ये कहती है कि 500 नहीं, मैं तुम्हें 5000 वोन दूंगी। अब ये सुन के मिन बहुत ज़्यादा खुश होती है और मान जाती है, क्योंकि इसने आज तक गरीबी और घर में अपने हस्बैंड से वायलेंस के अलावा कुछ भी नहीं देखा होता है। नेक्स्ट डे मिन एक लोकेशन पर पहुंचती है जो कि एक नदी के किनारे छोटा सा घर होता है। यहीं पर सु इसको नहलाती है और साफ करती है और फिर इसको रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पर गु बैठा होता है। उसको कहता है कपड़े हटाओ, मिन ऐसा ही करती है और गु इसकी फिर पेंटिंग बनाने लगता है। इसे पैसे मिलते हैं, ये घर पर आती है और आज जब इसका हस्बैंड सो कर उठता है तो खाने में इसको बीफ एंड राइस मिलता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ हुआ करती थी उस टाइम के हिसाब से। तो ये कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम इतनी महंगी चीज़ लेकर आई हो? मिन कहती है कि सियोल से जो प्रोफेसर आए हैं उनके यहाँ मुझे काम मिल गया। इसके हस्बैंड को लगता है कि मिन वहाँ पर साफ सफाई करने का काम करती है। इसका नशेड़ी हस्बैंड इससे पैसे छीनने लग जाता है और रात को जाकर जुआ खेलता है। यहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी सब काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं, इसको हीरोइन बोल रहे होते हैं, और मिन का हस्बैंड यहाँ पर सारे पैसे हार जाता है। अगले दिन हम एक सर्वेंट गर्ल को देखते हैं जो कि सुख के लिए काम करती है और आज घर से खाना लेकर गु एंड मिन के लिए उसी नदी किनारे जो घर है वहाँ पर जा रही होती है। रास्ते में इसे एक लड़का मिलता है, कहता है कि गर्मी बहुत है, क्या तुम मेरी साइकिल पर बैठकर चलना चाहोगी? पर ये जो लड़की होती है वो मना कर देती है। और एक्चुअल में जो लड़की होती है ये गु को पसंद करती है, अपने मालिक को, बट गु जो होता है वो अपनी वाइफ के अलावा किसी और लड़की को देखता तक नहीं है। यहाँ वो लगातार मिन की पेंटिंग बनाया जा रहा होता है और इससे बातें करता है, और इसी तरह से मिन अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी है। एक दिन जब वो काम से घर आती है तो घर के बाहर इसको चप्पल उतरी हुई दिखती है। ये अंदर जाती है तो इसका हस्बैंड उसी हीरोइन लड़की के साथ प्यार मोहब्बत कर रहा होता है। मिन इस लड़की को मार के यहाँ से भगा देती है। इसका हस्बैंड मिन को मारने पीटने लग जाता है और हमें यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। एक्चुअल में ये जो आदमी है जानवर टाइप का, ये इसका हस्बैंड नहीं होता है। मिन का हस्बैंड वॉर लड़ने के लिए गया था और वियतनामी वॉर में वो शहीद हो गया था। अब पहले टेलीफोन तो हुआ नहीं करते थे, तो इस वजह से एक आदमी, यानी कि यही आदमी इसके घर पर आया था खबर देने के लिए कि तुम्हारे हस्बैंड की मौत हो चुकी है, और फिर जाने लग गया यहाँ से। थोड़ी देर बाद ही घर वापस लौट कर आता है। मिन कहती है कि क्या हुआ, वापस क्यों आ गए आप? ये कहता है कि मेरी लास्ट वाली जो ट्रेन थी वो मिस हो गई है, तो क्या मैं यहाँ पर आज रात बिता सकता हूँ? कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और मिन जैसे इसको घर में अंदर लेती है वो सबसे पहले इसका रेप करता है और उसी टाइम से इसके पूरे घर पे कब्जा करके और इसका हस्बैंड बनकर यहाँ पर बैठा हुआ है, खाता है पीता है फ्री का, यहाँ पर इसको मारता पीटता रहता है। प्रेजेंट में यहाँ पर इसने मिन को बहुत मारा होता है, इस वजह से इसके फेस पर बहुत निशान बन जाते हैं। तो ये कुछ दिनों तक काम पर नहीं आती है, और जब काम पर आती है तो गु इसको ऐसा देख समझ जाता है और वो कहता है कि कब हुआ था ये, और ये कहती है कि मेरे साथ ऐसा रोज ही होता है। और अब ऐसे ही धीरे धीरे मिन यहाँ पर अपना सारा टाइम बिताने लग जाती है और अपने बच्चों को भी सुख के घर पर छोड़ दिया करती है वो। और एक दिन ये पूछती है कि पेंटिंग बनाने के लिए कपड़े उतारने की क्यों जरूरत पड़ती है? गु कहता है कि पर्सन की बॉडी की वैल्यू पता चल सके इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और कुछ दिन बाद गु वापस से चलने फिरने लगता है, मतलब इसका जो पैरालाइज हाथ पैर थे वो ठीक होने लगते हैं, इसको एक नई एनर्जी मिलती है, डॉक्टर भी बहुत खुश होते हैं और मिन भी बहुत ज़्यादा खुश है और उसको थैंक यू कहती है इसकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और जब घर आती है तो इसका हस्बैंड पैसे मांगता है, ये कहती है मेरे पास नहीं है, तो वो इसको खूब मारता पीटता है। और अगले दिन सुख सियोल चली जाती है अपने किसी रिलेटिव्स की शादी के लिए,
और अपने सर्वेंट से कहती है कि मिन को जितना पैसा चाहिए उसको दे देना। और यहाँ पर मिन एंड गु अब पेंटिंग का स्टैचू बनाने लग गए होते हैं, बहुत ही सुंदर सा। मिन यहाँ पर कहती है कि क्या वो जो कार रखी हुई है घर के पीछे वो तुम्हारी है, वो चलती है? और ये कहता है कि हाँ बिल्कुल चलती है। मिन हमेशा से कार में घूमना चाहती थी, और गु उसका ये सपना बहुत अच्छे तरीके से पूरा करता है। दोनों बहुत देर टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, और पूरे रास्ते में बस मिन इससे एक ही सवाल पूछती रहती है कि तुमने जो मूर्ति बनाई है उसमें सब कुछ तो बना दिया, पर तुमने उसकी आंखें नहीं बनाई, उसका फेस नहीं बनाया, ऐसा क्यों? गु बताता है कि हम उसको एंड में बनाएंगे ताकि हम मूर्ति के एक्सप्रेशन को अपने हिसाब से डिजाइन कर सके। और इसके बाद फिर हम इसके हस्बैंड को देखते हैं जो कि जुआ खेलने आया होता है अपनी बीवी के कमाए हुए पैसों से, और सारे पैसे यहाँ पर हार जाता है। और अपना गुस्सा उतारने के लिए ये सीधा गु के उसी घर में पहुंच जाता है जहां पर ये मिन को बिना कपड़े बैठा देख इसको खूब मारता है, गंदी गंदी गालियां देता है कि तू गलत काम करती है यहाँ पर। इनकी जो महीने की मेहनत थी वो मूर्ति उसको भी तोड़ देता है, यहाँ पर सब कुछ इधर उधर फैला देता है, और मिन को घसीटता वो अपने घर ले जाता है। दिन ढलता है, जब रात हो जाती है तो मिन को याद आता है कि अपने बच्चे को सुख के घर पर ही छोड़कर आ गई थी। जब ये बच्चे को लेने जाती है तो यहाँ पर ये ऐसी घायल हालत में देखकर सारे बहुत डर जाते हैं इसको। और सुख अपने एक आदमी को पैसे देकर मिन के हस्बैंड के घर भेजती है और कहती है कि उससे कह देना है कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता वो अपनी वाइफ से कोई मतलब ना रखे। और इस बात के लिए इसका हस्बैंड मान भी जाता है क्योंकि उसको बस पैसे चाहिए होते हैं, उसको मिन से कोई मतलब नहीं थी। और सुख मिन को अपने साथ रखती है और कहती है कि तुम अपने हस्बैंड की फिक्र मत करो, वो अब से तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। और गु फिर से अपना काम शुरू कर देता है, और अब इसके हाथ ने मतलब जवाब देना स्टार्ट कर दिया होता वो पैरालाइज होने लगा और ज़्यादा, और उसके पास सर्दियों तक का टाइम बचा है, फिर वो मर जाएगा। और यहाँ पर फिर भी वो रुक नहीं रहा बनाने से, और इसी चक्कर में वो घर भी नहीं आया करता है। एक रात सुख अपने हस्बैंड को 2 बजे रात को लेने के लिए जाती है वहाँ पर। यहाँ आती है तो वो लेटा होता है, दोनों रोमांटिक बातें करते हैं, और अगले दिन एक पुलिस वाला आता है और मिन से मिलता है। मिन को बताता है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है जिसको किसी ने शूट करके मार दिया, क्या तुम्हारा हस्बैंड है? और ये इसका हस्बैंड होता है, वही नशेड़ी। और मिन इस गम को अभी तक भुला भी नहीं पा रही थी तभी इसको एक और गन साउंड सुनाई देता है, और ये गु था। गु ने अपने आप को भी यहाँ पर शूट करके मार लिया होता है। मिन ये देखकर बहुत रोती है क्योंकि उसको अपने हस्बैंड की मौत का दुख नहीं होता, गु की मौत का होता है। गु की आवाज़ आती है पीछे से और वो बताता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की, अब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा, मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था। एक्चुअल में इसी ने इसके हस्बैंड को मारा होता है। सुख जब यहाँ पर आती है तो उसको गु का एक लेटर मिलता है जिसमें वो बताता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरा शरीर अब जवाब देने लग गया है, और वो सर्दियों तक भी नहीं टिकेगा, पर हाँ जो मैंने अपनी पेंटिंग बनाई है, जो अपनी मूर्ति बनाई है, वो स्प्रिंग तक आ गई है, और इसलिए मैंने इसका नाम स्प्रिंग रखा हुआ है। और परफेक्ट पर्सन तो नहीं हूँ मैं, पर हाँ मैं तुमसे उस दिन से प्यार करता हूँ जब हम पहली बार मिले थे। और फिल्म के एंड में हम गु का काम देखते हैं जिसमें उसने एक मूर्ति बनाई होती है, और वो मूर्ति इसी के फेस की होती है जो कि ये अपनी वाइफ के लिए बना कर गया होता है। फिल्म जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ मैं सजेस्ट करूँगा इस मूवी को देखो यार, जिसको देखनी है मेरे को इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना, मैं वीडियो दे दूंगा, ये मूवी देखो पूरी बहुत अच्छी है, मजा आ जाएगा देखकर। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ और भी ऐसी वीडियो के साथ। बाय।